हाय गाइस, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योति मुकेश कुमार में। गाइस, आज फिर से हम आ गए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं पंचमेल दाल, जो कि हमने कुकर ले लिया और दाल को हमने भिगो के थोड़ी देर रखा था 5 मिनट के लिए, और उसमें कुकर में डाल दिया। ये हमारी खटाई है, नमक डाल दिया। नमक याद लगाइएगा कि हमको बाद में भी डालना है दाल फ्राई करते समय, तो हमने अभी थोड़ा सा ही लिया है। इस समय हमको कुछ नहीं डालना, नमक डालना है और खटाई डालनी है। अगर आपके पास नहीं है आप मत डालिए। ये हमारी दाल पककर हो गई तैयार, इसे हमको करना है फ्राई। गाइस, आप लोग बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी दाल बनती है ये। ये हमने ले ली कढ़ाई, गैस का फ्लेम जो है कि वो फास्ट करना है। ये ले लिया सरसों का तेल, सरसों का तेल ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा लहसुन, खड़ी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, जीरा, ये हमारी हींग। हमने कोई इसमें पेस्ट नहीं लिया है, बारीक कटा हुआ ही लिया है। जो भी लिया कोई पेस्ट नहीं डालना है अदरक लहसुन वगैरह का। तेल हमारा गरम हो रहा है, ये हमने डाल दिया जीरा। गरम होने के बाद ये हमारे खड़े मिर्च, ये गया लहसुन, ये गया अदरक, अच्छे से हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये हींग डाल दिया, हींग का फ्लेवर इस दाल में बहुत अच्छा आता है। प्याज हमने डाल दिया, सूट नहीं कर पाई। ये हमारे सूखे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, प्याज हमारा ब्राउन हो गया। हमने डाल दिया कटे हुए टमाटर। इसी समय हम मसाले भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर गल जाएंगे। टमाटर जो है हमारा पानी छोड़ता है, तो हम सूखे मसाले इसी समय डाल देते हैं कि पक जाएंगे, मसाला चिपकेगा नहीं। मसाला हमारा भून के हो गया तैयार। अब इस समय हम डाल देंगे अपनी पंचमेल दाल। गाइस, आप लोग बना के देखिएगा, बहुत अच्छी दाल बनती है ये। हमें 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है, चलाना है। दाल हमारी बनकर हो गई तैयार। अब डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। हमारा वीडियो कैसा लगा गाइस,